हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो आपके लिए नया चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम बड़े आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जो हमारा इस बार 2021 और 2022 सीबीएसई के 10th में सिलेबस है, उतना ही आपको इसमें कराया जाएगा। बाकी बचा हुआ पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है। लाइट चैप्टर हमारा प्रीवियस वीडियो में पूरा हो चुका है और इस चैप्टर के क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यू के क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से चेक कर सकते हैं और अपनी रिवीजन को बार बार करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी रिवीजन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म हमारे क्या है? इट इज अ पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद टू रेक्टेंगुलर बेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। वैसे पिरामिड एक्चुअल में है क्या? पिरामिड जिसका बेस एक पॉलीगन होता है और उसमें लेटरल सरफेस क्या होती है? ट्राइंगल भी होती है और रेक्टेंगुलर भी होती है। लेकिन जनरली क्या होता है, ट्रायंगुलर हमारा लेटरल सरफेस होता है, लेकिन जिसमें बेस ट्रायंगल हो और लेटरल सरफेस हमारा क्या हो, रेक्टेंगल हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म जो है वो ग्लास का वो पीस है जिसमें बेस कितने, बेस दो बेस ट्रायंगुलर होंगे और लेटरल सरफेस हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर फेस, ये बेस ये है और एक ट्रायंगुलर बेस ये रहा, तो हमारे पास दो ट्रायंगुलर बेस हो गए, ये दो ट्रायंगुलर बेस हो गए और रेक्टेंगुलर जो लेटरल सरफेस है वो लेटरल कितने हैं, तीन रेक्टेंगुलर हैं। कैसे? एक हमारा रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस ये वाला है, एक ये वाला लेटरल सरफेस है वन, दूसरा ये वाला है टू, दो लेटरल सरफेस हो गए, तीसरा हमारा ये वाला है ए, ये तीसरा वाला है, ये हमारा तीसरा वाला लेटरल सरफेस है। तो तीन लेटरल सरफेस हो गए। अगर मैं इसको सेट करूं तो पहला लेटरल सरफेस हमारा किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। दूसरा लेटरल सरफेस हमारा रेड कलर का कर देते हैं, ये हमारा किसका है, दूसरा रेड कलर का। दूसरा लेटरल सरफेस रेक्टेंगुलर जो है हमारा रेड कलर का है। तीसरा जो है वो किस कलर का है, जो तीसरा लेटरल सरफेस है वो हम दूसरे कलर का, ब्लू कलर का कर देते हैं। ये हमारा तीसरा लेटरल सरफेस है, कौन सा, ये वाला, ये हमारा तीसरा लेटरल सरफेस है। तीन लेटरल सरफेस है और ये तीनों किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। इसका मतलब दो बेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस लेटरल सरफेस होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम देखेंगे, जो हमारी भी एक्टिविटी है, ये हमारे पास जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर है, जिसका बेस क्या है, जिसका बेस ट्रायंगुलर है और लेटरल सरफेस क्या है उसका, रेक्टेंगल। तो जो प्रिज्म है हमें दिखाई कैसे देता है, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देगा। ये आ गया जो हमारे ये दो लेटरल सरफेस है, क्योंकि आगे क्या बनता है, रेक्टेंगुलर, तो जो दो लेटरल सरफेस के बीच का एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस, जो लेटरल सरफेस है उनके बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन, अब एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, इससे पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में कर लेते हैं। हमने प्रिज्म लिया, प्रिज्म क्या है, एबीसी, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, पी क्यू दो पॉइंट लिए इंसिडेंट रे, ये क्या है एयर मीडियम और ये ग्लास क्या हमारा डेंसर मीडियम और फिर क्या आ गया हमारा एयर मीडियम। यहां से हमने क्या किया, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इसका मतलब यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और फिर यहां से क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, तो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर आई से कम है, आर इज लेस देन आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ आई, क्योंकि रेयर से टेंशन में जा रही है, जब रेयर से लाइट टेंशन में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर जब प्रिज्म से टकराएगा तो यहां से हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, अब लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, एयर मीडियम में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
और उसकी स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एमर्जेंट रे, ये क्या हो जाएगी हमारी एमर्जेंट रे। ये हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंट हो जाएगा। एंगल ऑफ एमर्जेंट नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में होता है। और ये जो हमारा एंगल है, जो एंगल है ये वाला, ये एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंट है। एमर्जेंट रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा। अब हमने बनाना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने क्या करा, इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया और इस एमर्जेंट रे को प्रोड्यूस किया। एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद दो रे क्या होंगे आपस में इंटरसेक्ट होंगी। जहां इंटरसेक्ट होंगी वहां पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आफ्टर प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूस करने के बाद जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। फिर जब लाइट हमारी प्रिज्म, ये हमारी क्या है इंसिडेंट रे, ये हमारी क्या है व्हाइट लाइट, व्हाइट इन कलर, क्योंकि सिंगल लाइट हमारी क्या होती है व्हाइट। जब ये प्रिज्म से टकराएगी इंसिडेंट रे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही लाइट प्रिज्म से टकराई तो क्या होगा, स्प्लिट होगी, क्या होगी स्प्लिट। और वो कितने कलर में स्प्लिट होगी, सेवन कलर में, इसमें सेवन कलर में। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो इट स्प्लिट इंटू सेवन डिफरेंट कलर, या उसके जितने भी कलर कंपोनेंट होते हैं उसमें स्प्लिट होती है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक सिंगल व्हाइट लाइट का उसके कलर में स्प्लिट होना, उसके कलर कंपोनेंट में स्प्लिट होना, हमारे को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। मतलब ये सिंगल लाइट व्हाइट है, सात कलर में जो टूटी है, ये हमारा क्या है, डिस्पर्जन। और ये जो सात कलर जो हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्पेक्ट्रम। मीन्स सेवन बैंड ऑफ कलर या बैंड ऑफ डिफरेंट कलर आफ्टर स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट। एक व्हाइट लाइट के टूटने के बाद जो व्हाइट लाइट के जो कलर कंपोनेंट थे वो हमें नजर आए, उन कलर कंपोनेंट को जो हमें नजर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये जो कलर कंपोनेंट होते हैं ये कितने होते हैं, सात होते हैं। तो सेवन बैंड ऑफ कलर या सेवन कलर, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो सात कलर हैं ये किससे बने, व्हाइट लाइट से बने। कब, जब एक व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई, और स्प्लिट कब हुई, जब वो प्रिज्म से पास हुई। इसका मतलब एक सिंगल व्हाइट लाइट का सात कलर में टूटना या उसके कलर कंपोनेंट में टूटना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डिस्पर्जन, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। मीन्स सिंगल व्हाइट लाइट का अलग कलर में कंपोनेंट में टूटना, डिस्पर्जन। और ये जो सात कलर जो लाइट हमें दिखाई दिए इस व्हाइट कलर से जो बने, इसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या कह रहा है, डिस्पर्जन स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट इंटू इट्स कंपोनेंट कलर। एक व्हाइट लाइट का उसके कलर कंपोनेंट में टूटने को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। स्पेक्ट्रम द बैंड ऑफ सेवन कलर, सात कलर का जो बैंड है अलग अलग जो दिखाई दिए, फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ ए व्हाइट लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। मीन्स सेवन बैंड ऑफ कलर, सात कलर का जो बैंड अलग अलग कलर है उनके उनके सबके आपस में क्या है, कंबाइन है। तो इन सेवन कॉम्बिनेशन बैंड ऑफ कलर को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। और ये बना किससे, जब एक सिंगल व्हाइट लाइट टूटी। फिर इसने न्यूटन ने क्या करा, ये जो यहाँ से सोर्स से लाइट आ रही है, ये क्या हुआ, इस प्रिज्म से पास हुई, इस प्रिज्म से पास हुई तो ये सात कलर में टूटा। फिर हमने न्यूटन ने क्या करा, एक उल्टा प्रिज्म उन सेवन कलर के सामने और रख दिया, जो स्पेक्ट्रम थे सात कलर थे, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। उसने कोशिश करी क्या ये और टूटते हैं, लेकिन वो सात कलर आगे नहीं टूटे। लेकिन जैसे ही उल्टा प्रिज्म डाला तो वो जो सात कलर थे वो क्या हो गए, जो निकले दूसरे प्रिज्म से बाहर निकले एमर्जेंट रे की फॉर्म में, तो हमारी क्या मिली, वो व्हाइट लाइट मिली। क्या मिली, व्हाइट लाइट। जब हमने स्क्रीन में उसका कलर देखा तो व्हाइट कलर का नजर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास की जाए, प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास की जाए तो वो सात कलर में टूटती है। उन सात कलर के टूटने को हम डिस्पर्जन बोलते हैं, और उन सात कलर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर उन सात कलर के सामने क्या रख दिया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। तो उल्टे प्रिज्म ने क्या करा, उन सात कलर को कंबाइन कर दिया, रिकम्बिनेशन कर दिया, और एक व्हाइट लाइट मिली। तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। मीन्स इफ यू पुट अ प्रिज्म, एक प्रिज्म रखा एंड जस्ट एडजेसेंट अगर एक उल्टा प्रिज्म रखेंगे, तो दोनों प्रिज्म जो एक दूसरे के उल्टे होंगे तो वो क्या करेंगे, रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट का काम करेंगे। मीन्स लाइट को रिकम्बाइन करेंगे, रीयूनाइट करेंगे। एक प्रिज्म तोड़ता है और उल्टा प्रिज्म उसको क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। तो लाइट, हमने व्हाइट लाइट
इंसिडेंट रे में थी तो व्हाइट लाइट हमारी बाहर निकली, इसे बोलेंगे रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। और जो हमें सात कलर मिलते हैं वो क्या होते हैं, विप क्योर, क्या होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, विप क्योर। सेवन बैंड ऑफ कलर को हम क्या बोलते हैं, विप क्योर। वी मीन्स वायलेट, आई मीन इंडिगो, बी मीन ब्लू, जी मीन ग्रीन, वाई मीन येलो, ओ मीन ऑरेंज, आर मीन रेड। द वेरियस कलर आर सीन, वायलेट मीन्स बी, वायलेट आई, इंडिगो बी, ब्लू जी, ग्रीन वाई, येलो ओ, ऑरेंज आर रेड। ये विप क्योर सेवन बैंड ऑफ कलर जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं वो विप क्योर की फॉर्म में मिलते हैं और ये हमारे क्या है, कलर के नाम है, बी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो सात कलर है इनको अल्फाबेटिकली अ ग्रुप ऑफ, जैसे हमें कलर अपीयर हुए उसी हिसाब से हमने उसके सिंबल रख दिए। इट इज अ ग्रुप एक्रोनम, इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट द सिक्वेंशियल कलर इन द स्पेक्ट्रम। जिस फॉर्म में, जिस स्पेक्ट्रम में, जिस पैटर्न में कलर पाए गए उसी पैटर्न में क्या रख दिया, उनका सिंबल रख दिया, उनका नाम रख दिया, तो इसे हम बोलते हैं एक्रोनिमिक। मीन्स जिस पैटर्न में पाए गए, इसके अंदर सबसे पहले वायलेट फिर इंडिगो, इस फॉर्म में जिस फॉर्म में पाए गए उसी पैटर्न में हमने इसको अरेंज कर दिया सीक्वेंस में, इसे हम बोलेंगे एक्रोनिम बोलेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स, जो एंगल डेविएशन जो आपने पढ़ा बेटे, एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स जो इस एंगल पर डेविएट होंगे, जो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, अगर एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो वेवलेंथ कम, अगर एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो वेवलेंथ ज्यादा। मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम डेविएट होगा, जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा डेविएट होगा। अगर हम कहें बी आई बी जी वाई ओ आर, जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इट हैज मोर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये डेविएट कम होगा, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। लेकिन वायलेट की वेवलेंथ कम है, इसकी लेंथ वेवलेंथ क्या है, कम, तो ये डेविएट ज्यादा होगा, ये ज्यादा बेंड करेगा। डेविएट मीन वायलेट विल बेंड लेस एज कंपेयर टू रेड, वायलेट की वेवलेंथ कम है एज कंपेयर टू रेड। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वायलेट की वेवलेंथ कम है किससे, रेड से, तो इसका मतलब वायलेट ज्यादा डेविएट होगा एज कंपेयर टू रेड। अगर हम इसे दूसरे फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, इसका मतलब वायलेट और रेड, तो इसका मतलब एंगल ऑफ वेवलेंथ इसकी कम है, तो ये क्या होगा, इसकी वेवलेंथ कम है तो डेविएशन क्या होगा इसका, ज्यादा। वायलेट की वेवलेंथ कम और डेविएशन ज्यादा होगा, डेविएशन क्या होगा, ज्यादा, इसकी वेवलेंथ ज्यादा और डेविएशन कम होगा। मीन्स रेड जो कलर है वो कम बैंड होगा और वायलेट कलर ज्यादा बैंड होगा, तो इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ लेस डेविएशन, लेस वेवलेंथ मोर डेविएशन। रेड कलर इज द लीस्ट डेविएटेड, कम डेविएट होगा, कम बैंड होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड, सबसे ज्यादा जो डेविएट होगा, सबसे ज्यादा जो बैंड होगा वो कौन सा होगा, वायलेट कलर, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है, इसलिए वो ज्यादा डेविएट होगा, ज्यादा बैंड होगा। उसके बाद हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते किसे, देखिए, टोटल व्हेन लाइट इज एंटर्ड ओब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसका मतलब डेंसर भारी मीडियम से किस में जाती हो, रेयर मीडियम में, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, कम होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड इट्स क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अभी क्रिटिकल एंगल क्या है, तो अभी बताते हैं, द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, तो लाइट किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी, जब, इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में, ये क्या है मेरे पास, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब यह डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लाइट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से, लेकिन हमारा जो
क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जब इंसिडेंट रे, ये मेरे इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जब रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, व्हेन द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री मींस पैरेलल टू द एक्सिस, तब जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, या क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा, तो उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, थीटा सी, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से पास होती है और वो उसी मीडियम पर क्या होती है, बाउंसिंग बैक, उसी मीडियम से टकराकर वापस आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मींस व्हेन लाइट इज पास फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में पास होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे इसमें लाइट किसमें पास हुई, लाइट हमने डेंसर मीडियम में पास की और टकराकर डेंसर मीडियम में वापस आ गई, दूसरे मीडियम में नहीं गई, मींस रेयर मीडियम में नहीं गई, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट इज पास फ्रॉम सेम मीडियम एंड रिफ्रैक्ट इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम से पास हुई और उसी मीडियम में वापस आ गई, तो उसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन कौन कौन सी है, सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, लाइट शुड एंटर ओब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट किसमें पास होनी चाहिए, डेंसर से रेयर में, रेयर से डेंसर में नहीं, डेंसर से रेयर में पास होनी चाहिए। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड एक्सीड इट्स क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड इन द डेंसर मीडियम। इस कंडीशन में लाइट रिफ्लेक्ट अगर सेम मीडियम में तभी होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट, वो इंसिडेंट एंगल है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मींस आपका थीटा वन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष जब बरसात होती है, जब क्या होती है, बरसात होती है, बरसात होने पर हम एयर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट रह जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट मीन रेन ड्रॉपलेट रह जाते हैं, वो जो रेन ड्रॉपलेट है वो किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। और प्रिज्म क्या करती है, एक व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में तोड़ देती है, डिस्पर्जन करती है, तो 7 जो कलर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट इज फ्रॉम द रेनबो, जिसे आप क्या बोल रहे थे, विब ग्योर। अभी बनता कैसे है जो रेनबो, आफ्टर द रेन और बरसात के बाद कुछ पानी की बूंदें, बरसात की कुछ पानी की बूंदें एयर में, एटमॉस्फेयर में रह जाती है, वो पानी की बूंद क्या करती है, एक्ट एज ए प्रिज्म का काम करती है। तो जैसे ये एयर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये एयर में रह गई, अब यहाँ क्या होगा, सन की रेज, व्हाइट रेज सिंगल व्हाइट लाइट, ये सूरज से ये रोशनी निकली व्हाइट लाइट, वो किस पर, इस रेन ड्रॉप से टकराई, इस रेन ड्रॉप से टकराने के बाद इस रेन ड्रॉप ने किसका काम किया, प्रिज्म का काम किया। तो इसका मतलब ये जो व्हाइट लाइट है यहाँ पर क्या हुआ, वो 7 डिफरेंट कलर में टूटी। यहाँ पर दो फिनोमिना हुए, कौन से, एक तो डिस्पर्जन हुआ मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट हुई, और दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक तो डिस्पर्जन और दूसरा रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, तो व्हाइट लाइट जब रेन ड्रॉप से पास होगी तो यहाँ पर हेयर द डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो वाटर ड्रॉपलेट है, ये डेंसर मीडियम में ये टकराई, तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसर मीडियम से रे पास हो रही है, इंसिडेंट रे, और इसका मतलब उसी मीडियम में वापस आ रही है। तो ये वाला जो मेरा फिनोमिना हो गया, ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड फिनोमिना हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो इसका मतलब पहला जो फिनोमिना हुआ वो क्या हुआ हमारा, पहला फिनोमिना हुआ डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद सेम मीडियम में टकरा करके आई, वापस आई, जिसे हमने क्या बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स जब लाइट डेंसर मीडियम में पास होती है और डेंसर मीडियम में क्या होती है वापस आती है, तो उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा दूसरा फिनोमिना। तीसरा फिनोमिना हमारा क्या है, फिर ये रेन ड्रॉप में यहाँ पर क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमारा डेंसर मीडियम है, फिर ये बाहर की तरफ आएगी, डेंसर से कहाँ आ रही है एयर में, तो ये जो व्हाइट लाइट है उसकी जो 7 बैंड ऑफ कलर है वो क्या होगा, अलग अलग कलर क्या होंगे बैंड होंगे, तो ये जो 7 कलर है ये क्या होंगे बाहर निकलेंगे, और ये क्या होगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा अगेन रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, और ये मेरे पास क्या होंगे 7 बैंड ऑफ कलर जो क्या होंगे VIBGYOR, जिसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, रेड कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो क्या होगी कम बैंड होगी, और वायलेट कलर जो है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा बैंड होगी। लेकिन जो ये 7 बैंड ऑफ कलर है या जो रेनबो है वो हमेशा क्या होगा सन के अपोजिट होता है, क्योंकि सन रेज इधर को आ रही है और रेनबो हमारा इस डायरेक्शन में बनता है, तो रेनबो इज ऑलवेज हमेशा क्या होगा सन के अपोजिट में बनेगा। तो ये हमारा क्या है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन स्टॉर्म, बरसात के बाद ये जो रेनबो है वो फॉर्म होता है, कैसे, रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तीन फिनोमिना है इन्वॉल्व होते हैं रेनबो फॉर्मेशन में, तीन फिनोमिना होते हैं, पहला डिस्पर्जन, दूसरा रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले क्या होता है डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन होता है, फिर क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले डिस्पर्जन फर्स्ट, फिर क्या होता है डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन एक साथ, क्योंकि रेयर से डेंसर में जाती है, डिस्पर्जन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर 7 रेज वो 7 बैंड ऑफ कलर बाहर आते हैं। सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर आफ्टर रेन, बरसात के बाद कुछ पानी की बूंदें हवा में रह जाती हैं, और ये दीज ड्रॉपलेट बिहेव एज ए ग्लास प्रिज्म, ये जो पानी की बूंदें वो एक तरह से ग्लास प्रिज्म का काम करती है, और लाइट एंटर दीज द रेन ड्रॉप, लाइट जो है इन रेन ड्रॉप में जो किसकी तरह काम करती है प्रिज्म की तरह काम करती है। इट फर्स्ट रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट मीन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से वाटर में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है, और वहां पर क्या होती है टूटती है, डिस्पर्स होता है, वो 7 कलर बन जाते हैं, टूट जाते हैं। इट देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, इंटरनली क्या होता है रिफ्लेक्ट, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट था, ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट रे, रेयर से एयर से किसमें आया वाटर ड्रॉपलेट, तो रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ क्या हो गया डिस्पर्जन भी हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर उसी मीडियम में क्या होगा रिफ्लेक्शन हो गया, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये बाहर क्या हो गया रिफ्रैक्ट हो गया, इट कम आउट एंड रिफ्रैक्ट एंड कम आउट इन 7 बैंड ऑफ कलर एंड कम आउट ऑफ द ड्रॉप एंड 7 बैंड ऑफ कलर रीच टू द ऑब्जर्वर आई इन फॉर्म ऑफ रेनबो, तो ऑब्जर्वर की आई में जो पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचती है इंद्रधनुष के फॉर्म में पहुंचती है, और इस तरीके से हमारा रेनबो बनता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये है क्या, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन एयर में क्या है या हमारे एटमोस्फेयर में क्या है, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या है अलग अलग है, इसका मतलब हमारे एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है अलग अलग है, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है उनमें अगर पास होती है तो क्या होती है अलग अलग मीडियम से अलग अलग रिफ्रैक्टिव डेंसिटी से क्या होती है पास होती है, तो जो रिफ्रैक्शन होता है डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर लाइट डिफरेंट लेयर ऑफ द लाइट से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मीन्स द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाई डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट का एटमोसफेयर में डिफरेंट लेयर से में रिफ्रैक्शन होने को हम क्या बोलते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं एपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट, किसी हॉट ऑब्जेक्ट या फायर के हम क्या कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं फायर के सामने पिक्चर साथ में रखते हैं तो उसमें क्या होता है फ्लिकरिंग, उसमें क्या हो रही वेवरिंग, उसमें वेव से नजर आते हैं। स्टार नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, जो तारे हैं वो क्या होते हैं वो हमें ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल उनकी हाइट है उससे कहीं ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं, उसका रीजन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज एंड सनसेट, सूरज 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में डूबता है, ये किसकी वजह से ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार
तारों का टिमटिमाना, तारों का जो टिमटिमाना है वो क्या है, किसकी वजह से, ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। अभी हम कुछ इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि होता कैसे है, लेकिन रीजन क्या है आपका, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर, फायर के पीछे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया या किसी हॉट हॉट सरफेस के पीछे रख दिया तो वो कैसे होता है, फ्लिकरिंग होता है, वो मतलब वेव बनती है, वो ऐसा लगता है कि लहर आ रहा है, वो वेव सी बन रही है, ऐसा बनता है। क्यों? क्योंकि एयर अबाउट द हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइज। जो एयर है हॉट सरफेस में, इसका मतलब जो एयर है, जितनी जितना टेम्परेचर ज्यादा एयर उतनी हल्की, एयर उतनी डेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, उतना वो रेयर मीडियम होगा और उतना वो गर्म होगा और वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो चीज हल्की होती है वो ऊपर जाती है। तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द हॉट एयर इज लेस देन द कूल एयर, इसका मतलब नीचे भारी हवा है, ऊपर क्या है, हल्की हवा, तो इसका मतलब ऊपर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम इज नॉट कॉन्स्टेंट, इस एटमोसफेयर की जो फिजिकल कंडीशन है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर हल्का हल्की हवा है, नीचे भारी हवा है, तो वेरिएशन विल टेक प्लेस। ये क्या होगा, अलग अलग मीडियम मीन्स डेंसिटी अलग अलग है, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसमें क्या, ऊपर और नीचे एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर का अलग अलग है, और इस चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर कम नीचे ज्यादा, ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, इसकी वजह से द लाइट अपीयर कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। तो लाइट ऐसा लगता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, और डिफरेंट डायरेक्शन की आने की वजह से दिस रिजल्ट द ऑब्जेक्ट अपीयर स्लाइटली फ्लिकर, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जरा वेव बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऊपर हल्की हवा है, नीचे भारी हवा है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। यही स्पीड कम होने की वजह से वो ऐसा लगता है कि अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, और जिससे ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि वो फ्लिकर या वेव बना रहा है। स्टार अपीयर स्टार व्हेन सीन नियर द होरिजन स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टार है वो एक्चुअल में क्या है, ज्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर सरफेस है तो ऊपर जैसे जैसे लेयर बढ़ती है तो इसका मतलब हवा ऊपर क्या है, हल्की है, ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। यहाँ क्या है, कूल एयर मीन्स मोर डेंसर, यहाँ डेंसर है, और यहाँ एयर क्या है, रेयर है, हल्का मीडियम। इसका मतलब इस स्टार से लाइट आएगी कहाँ पर, इन डिफरेंट लेयर्स जाएगी, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, तो इसका मतलब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो अगर हम देखेंगे एक्चुअल में लाइट स्टार की हाइट तो यह है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो होनी ये हो क्या हो जाती है, ये हो जाती है, क्योंकि ये बैंड होती है, क्या होती है, बैंड होती है, रेयर से डेंसर मीडियम में बैंड होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर हल्की हवा है और नीचे भारी हवा है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और नीचे कम, तो लाइट फ्रॉम द स्टार जो काफी दूर है, और लाइट स्टार से ऑब्जर्वर तक आने पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और उसको डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डिफरेंट मीडियम से आना पड़ता है, और जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल वो मुड़ती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, स्टार की हाइट थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है, केवल किसकी वजह से, ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इन जनरल इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मतलब टॉप से नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन नियर द होरिजन, ऊपर से लाइट सन की नीचे अर्थ पर होरिजन में आती है, जिसको ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में। जब हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो इसका मतलब जिसकी वजह से स्टार क्या होते हैं, थोड़े से ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं। अगला टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट, कि सन 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, अर्ली 2 मिनट, सन अपीयर 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेन विजिबल अबाउट 2 मिनट आफ्टर द सनसेट। सनसेट से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और सन सनराइज से पहले 2 मिनट पहले आ जाता है, और सनसेट के बाद सनसेट हो जाता है फिर भी वो हमें दिखाई देता है, तो 2 मिनट पहले उगता हुआ नजर आता है, 2 मिनट बाद डूबता हुआ नजर आता है, किसकी वजह से। When the sun is below the horizon, जब सन क्या होता है, horizon के नीचे होता है, तो rays have to pass from rare to denser medium. Rays को, जो sun rays है, उसको किससे पास होने पड़ती है, rare medium से denser medium में, क्योंकि ऊपर हल्की हवा है, नीचे क्या है, भारी हवा है, rare से denser medium में पास होनी चाहिए।
जिसकी वजह से रे क्या होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, रे क्या होती है नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और फिजिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है एटमोसफेयर की, जिसकी वजह से सन अपीयर हायर देन द एक्चुअल साइज, जिसकी वजह से एक्चुअल साइज एक्चुअल पोजिशन से ऊपर दिखाई देता है, इसीलिए सन 2 मिनट पहले और 2 मिनट डूबता हुआ देर में नजर आता है, क्योंकि उसके एक्चुअल जो हाइट है वो हमें दिखाई नहीं देती। जो हमें हाइट दिखाई देती है वो कौन सी दिखाई देती है, अपरेंट पोजिशन, अपरेंट हाइट दिखाई देती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का टिमटिमाना, स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, स्टार हमसे क्या है काफी दूर है, सो दे बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसका मतलब स्टार हमसे काफी दूर है, तो ये अर्थ है, तो स्टार अर्थ से काफी दूर है, तो हम ये मानते हैं कि स्टार बहुत छोटे हैं, क्योंकि है तो बहुत बड़े लेकिन दूर होने की वजह से हमें क्या लगते हैं बिल्कुल पॉइंट साइज नजर आते हैं, तो पॉइंट साइज नजर आते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते क्या है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसका मतलब लाइट आ रही है किससे, बिल्कुल पॉइंट सोर्स से, पॉइंट के बराबर, क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, दूर होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो अर्थ की जो फिजिकल कंडीशन है वो कॉन्स्टेंट नहीं, क्यों, क्योंकि इस वाली जगह हवा क्या है हल्की है और नीचे हवा क्या है भारी है, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों में एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अलग अलग है, क्यों, ऊपर रेयर मीडियम है नीचे भारी मीडियम है, जिसकी वजह से लाइट फ्रॉम द स्टार अपीयर टू कम इन डिफरेंट डायरेक्शन, एयर एटमोसफेयर की फिजिकल कंडीशन स्टेबल नहीं होने की वजह से, अब स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एयर ऊपर रेयर मीडियम है, हवा हल्की है, नीचे भारी है, जिसकी वजह से लाइट जो सन से अर्थ पर पहुंचनी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसा लगता है मूव हो रही है, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार, जिसकी वजह से जो स्टार की जो एक्चुअल पोजिशन है वो क्या होती है फ्लक्चुएट वेरी करती रहती है। लाइट अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार इज ऑल्सो वेरी ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमोस्फेयर, जो लाइट जो आ रही है स्टार से वो क्या हो रही है चेंज होती रहती है, क्यों, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। द स्टार अपीयर ब्राइट एंड व्हेन मोर लाइट फ्रॉम द स्टार रीच अवर टू अवर आईज, जब स्टार से लाइट हमारी आई पर पहुंचती है तो कई बार क्या होती है बहुत ज्यादा पहुंचती है, और उसी समय क्या होती है लाइट क्या होती है कम दिखाई देती है, मीन्स जो जो सन की जो लाइट है, जो स्टार की जो लाइट है, जो ऑब्जर्वर की आई में कई बार क्या दिखाती है धुंधली दिखाई देती है, कम पहुंचती है तो वो धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि लाइट कम पहुंचेगी तो धुंधली दिखाई देगी, और जब लाइट ज्यादा पहुंचेगी तो ब्राइट दिखाई देगी, और ये क्यों दिखाई देती है कम धुंधली और ब्राइट क्यों दिखाई देती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमोसफेयर का अलग अलग है, या हम कह सकते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर इज नॉट सेम, जिसकी वजह से लेस अमाउंट रीच टू द आवर आई, बोथ इफेक्ट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसकी वजह से क्या होता है स्टार टिमटिमाते हैं। Scattering of effect, scattering effect, spreading of light in various direction by the colloidal particle. इसका मतलब light जो spread होती है अलग अलग direction में colloidal particle, इसका मतलब colloidal particle जो बहुत छोटे size के particle होते हैं वो क्या करते हैं light को फैला देते हैं, scattered कह देते हैं, कर देते हैं, फैला देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं scattering effect। इसका मतलब light जो scattered होगी और जिसकी वजह से light के पास हमें visible होता है और वो केवल scattered वो या पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल टू अस ओनली ड्यू टू द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल ही जो लाइट के जो रास्ते को लाइट के पाथ को क्या कहते हैं स्कैटर्ड कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, और स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, स्कैटरिंग जो है वो क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, मींस वेवलेंथ और वेवलेंथ जिसे ये लैम्डा बोलते हैं और ये क्या है स्कैटरिंग, तो इसका मतलब मोर वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग, लेस वेवलेंथ और मोर स्कैटरिंग, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो स्कैटर्ड कम होते हैं, जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा स्कैटर्ड होती है, इसका मतलब वेवलेंथ किसकी ज्यादा है रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए वो स्कैटर्ड नहीं होती, वो डायरेक्टली रीच टू द ऑब्जर्वर वाइज, लेकिन जो क्योंकि रेड कलर को स्कैटर्ड कौन करता है लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर्ड करते हैं, लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम है और वो क्या होती है ज्यादा स्कैटर्ड होती है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम है उनको छोटे छोटे पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल क्या कर देते हैं स्कैटर्ड कर लेते हैं, तो जिसकी वेवलेंथ कम वो स्कैटर्ड ज्यादा होते हैं। इससे पहले हमारा एक और है कि स्टार तो ट्विंकल होते हैं लेकिन स्टार ट्विंकल स्टार तो टिमटिमाते हैं लेकिन हमारे प्लेनेट नहीं टिमटिमाते, क्यों, प्लेनेट जो है अर्थ के बिल्कुल प्लेनेट जो है हमारे क्या है अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, इसका मतलब द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ इज लेस, जिसकी वजह से क्या है उनका साइज क्या होता है बड़ा दिखाई देता है,
और बड़े होने की वजह से उसको हम नाम क्या देते हैं, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और वो नियरर टू द अर्थ, नियरर टू द अर्थ, अर्थ के नियरर भी है और कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, प्लेनेट आर द नियरर टू द अर्थ एंड कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का क्या कलेक्शन है, और जब लाइट फ्रॉम द प्लेनेट रीच टू द अर्थ, अर्थ पर पहुंचती है तो उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, दे हैव टू कवर लेस डिस्टेंस एंड ड्यू टू कवर लेस डिस्टेंस उनका रिफ्रैक्शन और या जो जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए जो वेरिंग ऑफ द लाइट, जो लाइट की जो वेरिएशन है वो क्या होती है, न्यूलिफाई, जीरो हो जाती है, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं है। टिंडल इफेक्ट आपने कहा, व्हेन द लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडर इट्स पाथ बिकेम विजिबल, जब लाइट जो है कोलाइडर सॉल्यूशन से पास होती है तो कोलाइडर के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और लाइट का रास्ता पाथ हमें विजिबल हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट ओनली क्या है, स्कैटरिंग ऑफ अ वाइट लाइट या स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाई कोलाइडर पार्टिकल, जिसकी वजह से लाइट का पाथ हमें विजिबल हो जाता है। Path of the light become visible when the light entered in a dark and dusty room through the slit or the ventilator. कई बार क्या होता है, एक अंधेरे कमरे में किसी एक पॉइंट से, अगर कहीं से लाइट आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सोर्स से लाइट आ रही है, तो डार्क रूम में अगर एंटर करते लाइट तो उसका रास्ता हमें दिखाई देता है और उस लाइट के रास्ते में हमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब पहला एग्जाम्पल, पाथ ऑफ द लाइट बिकेम विजिबल वेन द लाइट इज पास थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ द ट्री इन फॉरेस्ट, हिली एरिया में जहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, बहुत पेड़ होते हैं, तो वहां पर क्या दिखाई देता है, वहां पर भी कैनोपी ऑफ ट्री, बहुत बड़े बड़े पेड़, कैनोपी ऑफ ट्री में भी क्या दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है और लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है। कलर ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, इसका मतलब कौन सा कलर स्कैटर्ड कौन सा पार्टिकल करेगा। अभी आपने बताया कि ब्लू कलर और वायलेट कलर वो जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है वो स्कैटर्ड होते हैं, किससे, बाय द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल से, इसका मतलब कोलाइडर पार्टिकल या छोटे छोटे पार्टिकल वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर्ड करेंगे जिसकी वेवलेंथ कम है, लेकिन लार्ज साइज पार्टिकल वो रेड कलर को स्कैटर्ड करते हैं, इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल कोलाइडर पार्टिकल रेड कलर को स्कैटर्ड नहीं करते क्योंकि उनकी वेवलेंथ ब्लू कलर से 1.8 टाइम ज्यादा है। अब यहाँ पर लिखा देखिए, इफ द पार्टिकल आर वेरी फाइन, अगर पार्टिकल क्या है, बहुत छोटे छोटे बहुत फाइन है जो विजिबल नहीं होते विद अवर नेकेड आई, दे स्कैटर्ड मेनली द ब्लू कलर ऑफ द लाइट शॉर्ट वेवलेंथ, छोटे छोटे पार्टिकल वो शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू कलर को स्कैटर्ड करेंगे, मीडियम साइज पार्टिकल मेनली लाइट कलर को या लार्ज साइज, और बहुत ज्यादा लार्जर हो जाए बेटे तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते और जिसकी वजह से कैसे दिखाई देती है, लाइट व्हाइट दिखाई देती है, कोई कलर उसमें दिखाई नहीं देता। वेवलेंथ ऑफ लाइट कलर इज अबाउट 1.8 टाइम देन द ब्लू लाइट, वेवलेंथ इसकी रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट से 1.8 टाइम ज्यादा है। ब्लू स्काई का, आसमान का कलर नीला, उसका कारण क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ द एयर एंड फाइन पार्टिकल इन द एटमोस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, जो एयर के जो पार्टिकल हैं, जो एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसमें जो है उनका जो साइज है वो क्या है, विजिबल लाइट के साइज से बहुत कम है, विजिबल लाइट के जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है उससे भी बहुत कम है। व्हेन द सनलाइट इज पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट किससे पास होती है, एटमॉस्फेयर से पास होती है, तो फाइन पार्टिकल इन द एयर स्कैटर्ड द ब्लू कलर, इसका मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो स्मॉल साइज पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर लेते हैं, मीन छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर्ड कर लेते हैं, और मोर स्ट्रॉन्गली एंड मोर स्ट्रॉन्गली देन द रेड, देयरफॉर स्काई कलर ब्लू। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब एयर एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनका साइज बहुत छोटा छोटा है या कोलाइडर पार्टिकल हैं, वो छोटी वेवलेंथ के कलर को ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं, मीन्स छोटे साइज के पार्टिकल ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर देते हैं, ब्लू कलर को क्या करते हैं, स्कैटर्ड, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, तो ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर देते हैं और लाइट कलर को स्कैटर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो सीधा पहुंचता है ऑब्जर्वर की आई में और कैसा दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है। अब कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अब क्यों रेड होता है, ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है, पहले इसको देख लेते हैं एक्टिविटी को, फिर इसमें आपको ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट फोकस से किस में पड़ा, ये हमारा लेंस है, लेंस वन और ये लेंस टू, ये हमारा क्या है, कार्डबोर्ड है और ये क्या है, टैंक है, किसका, ग्लास का टैंक है,
और इसमें क्या है, पानी है, और पानी के अंदर क्या डाल दिया, सोडियम थायो सल्फेट, जो लगभग किस कलर का है, ब्लू कलर का हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, और ये क्या है, स्क्रीन, यहाँ पर क्या है, स्क्रीन। तो ये हमें बताया गया है कि हमें सन का राइज का कलर रेड और सनसेट का कलर रेड ही क्यों दिखाई देता है, और बाकी सारा आसमान कैसे दिखाई देता है, नीला। ये इसमें एक्टिविटी दिखाई गई है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्लेस ए स्ट्रॉन्ग सोर्स एज व्हाइट लाइट एट द फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंसेज। इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पर, इसमें एक फोकस पॉइंट है जहाँ से क्या निकल रही है, लाइट निकलती है, और वो लाइट इस लेंस से टकरा रही है। जब लेंस से टकराएंगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल, पैरेलल आ रही है, और वो किसे, अलाउ द लाइट इज पास लाइट बीम टू पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक कंटेनिंग द क्लियर वाटर। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक में पास किया जिसमें क्या है, क्लियर साफ पानी है। अलाउ द बीम ऑफ द लाइट पास थ्रू द क्रिटिकल होल, फिर लाइट को किससे पास किया, इस क्रिटिकल होल से जो कार्डबोर्ड में बना हुआ है। ओपन द शार्प इमेज ऑफ द कलर होल इन द, और जो इस जो होल की जो में जो है लाइट पास हुई तो ये क्या हुआ, स्क्रीन में एक इमेज दिखाई देती है। यूजिंग द बाई यूजिंग किसमें, कैसे, इसका लाइक एक लेंस और किया, क्योंकि पैरेलल लाइट है, जब ये लेंस से टकराएगा तो क्या करेगा, फोकस करेगा और इमेज कहाँ बन जाएगी, कार्डबोर्ड में इमेज बन जाएगी। लेकिन पहले क्लियर वाटर था, फिर इसमें क्या रख दिया हमने, इमेज दिखने के लिए की इमेज बनी, लेकिन हमने क्या करा इसमें, सोडियम थायो सल्फेट इसमें डाल दिया उस पानी में, एंड एड 1 to 2 milliliters ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें क्या डाल दिया, सोडियम थायो सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला और सोडियम थायो सल्फेट डाला, तो जो सल्फर के जो पार्टिकल थे, जो बहुत छोटे छोटे थे, विच इज कोलाइडल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे पार्टिकल थे, स्कैटर्ड द शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू कलर, एंड ब्लू कलर अपीयर फ्रॉम 3 sides एंड 4 sides ऑफ द टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल रेड एंड देन द ऑरेंज। तो इसमें ये कह रहा है देखो, कि जैसे ही इसमें सोडियम थायो सल्फेट डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इस पानी में, तो जो इसके जो सल्फर के जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, जब इसमें सल्फर में सोडियम थायो सल्फेट जो सल्फर है, सल्फर के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उन्होंने क्या करा, जब लाइट पास हुई तो लाइट में जो ब्लू कलर था जिसकी वेवलेंथ सबसे कम थी, उसको क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया। तो ये हमें इस टैंक में जो लाइट पास हुई तो हमें सब तरफ से क्या दिखाई दिया, ब्लू कलर दिखाई दिया, लेकिन एक तरफ से जहां से लाइट ये पास होती है, इस स्क्रीन से पास हुई, ओ सॉरी, इस होल से पास हुई, सर्कुलर होल से, तो जब ये इस लाइट इस लेंस में पास हो गई, इमेज बनाई, तो ये इमेज पहले क्या बना, ऑरेंज, फिर उसके बाद क्या बन गया है, रेड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से हमें कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रेड कलर है वो स्कैटर्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो हमें स्क्रीन में दिखाई दिया। इसीलिए हमारा पूरा जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है, लेकिन सन राइज और सनसेट दैट इज ब्लू कलर और रेड कलर। क्यों? क्योंकि रेड कलर क्या होता है, स्कैटर्ड निकल पाती छोटी वेव, छोटा पार्टिकल, और सीधा ऑब्जर्वर की आई में पहुंचता है। इफ द अर्थ हैज नो एटमोसफेयर, अगर अर्थ में कोई एटमोसफेयर भी है, तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। नो एयर मीन्स नो एटमोसफेयर मीन्स नो स्कैटरिंग विल टेक प्लेस, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं होंगे, जब पार्टिकल नहीं होंगे तो कलर को स्कैटर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कैसे दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट में स्पेस में क्या होता है, एटमोसफेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो स्पेसमैन को है वो कलर कैसे दिखाई देता है, डार्क कलर दिखाई देता है, क्योंकि एटमोसफेयर में वहां पर क्या नहीं है, एटमोसफेयर नहीं है। डेंजर जो कलर है वो किसका होता है, रेड कलर का होता है। क्यों? डेंजर सिग्नल लाइट इज आर ऑफ रेड कलर, रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग स्मोक एंड दिस टू द ऑब्जर्वर। रेड कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल क्या कर पाते हैं, स्कैटर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डायरेक्टली रीच टू द ऑब्जर्वर आई। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस, जितनी भी दूरी पर खड़े हो तो क्या होगा, वो रेड कलर ही दिखाई देता है। ये हमारे इसके कुछ हमारे क्या है, रेड कलर जो ब्लू कलर जो छोटे पार्टिकल को स्कैटर्ड कर, जो छोटा पार्टिकल ब्लू कलर को स्कैटर्ड करेगा, मीडियम पार्टिकल है लार्ज पार्टिकल किसको स्कैटर्ड करेंगे, रेड को। इसका मतलब छोटे पार्टिकल रेड कलर को स्कैटर्ड नहीं कर पाते। और इस एट नून के टाइम में द सन अपीयर व्हाइट, दिन के टाइम सन क्या होता है, हमें सफेद दिखाई देता है, मींस हमें कोई रेड कलर नहीं दिखाई देता उससे। क्यों? क्योंकि ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू कलर और वायलेट कलर आर स्कैटर्ड, ना के बराबर ब्लू और वायलेट कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सन नून में दोपहर के टाइम हमारे ओवरहेड में होता है और उसका डिस्टेंस बहुत कम होता है,
और डिस्टेंस कम होने की वजह से रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, लाइट स्कैटर्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नो स्कैटरिंग विल टेक प्लेस, स्कैटर्ड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लाइट ही दिखाई देगी। नियर द होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल, देयरफॉर लाइट दैट हैज रीच्ड टू अवर आई इज द लॉन्गर वेवलेंथ, दिस गिव राइज दैट हैज दिस कलर ऑफ द सन। इनके टाइम क्या दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि स्कैटर नहीं होता और ज्यादातर रेड कलर का हमें दिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने सब्सक्राइब कर दिया थैंक्स फॉर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। हम आप ही के लिए हैं, यू आर द मेंबर एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ योर फैमिली, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो MCQ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये मैं आपसे हक से भी कह सकता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब फॉर द एनकरेजमेंट एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर टुडे।